नमस्कार दोस्तों, मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी बाइक में बैटरी कैसे फिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ये है डाइनेक्स की 4 नंबर बैटरी है, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग दिखा रखी है पहले वीडियो में, यहाँ आप कार्ड पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, अगर आप इसको बाइक में फिट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बाइक का टूल किट देख लें भाई, क्योंकि टूल किट में आपको यहां से इसकी टूल किट निकालने, पहले इसमें आपको स्क्रू मिल जाएगा। उस स्क्रू को आप जो स्क्रू ड्राइवर है ये वाला, क्योंकि ये बैटरी के नट है, फोकस रखिए थोड़ा यहाँ, इसको खोलने के लिए ये काफ़ी है। और भाई यहाँ लगेगा नहीं, हाँ लग गया। तो अब इसको ओपन करते हैं। ये पहले इसमें एक साइड की बैटरी लगी हुई है, अभी इसकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है और ये अभी एक्सपायर हो चुकी है एक किस्म से। यहाँ से ओपन करें इसको, काफ़ी टाइट है। ज़्यादा लंबा काम नहीं है, थोड़ा ही है, 1-2 मिनट का बस, 1-2 मिनट में आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसको ओपन कर लें ऐसे, ये नट आपको उसमें भी मिलेंगे जो आप दूसरी बैटरी लेंगे, उसमें भी आपको ये नट मिलेंगे। अगर आप ये रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसके 2 टर्मिनल अलग कर लिए। अब इसके गियर पे जो रहता है ये, और यहाँ से हमको खोलना है। ये है 11 नंबर भाई, 10 नंबर, जी हाँ 10 नंबर इसमें लगती है। आप इसको यहाँ से ऐसे ओपन कर लें, ओपन करने के बाद ये बैटरी को इसमें से निकाल लें। अपने टूल को संभाल के रखें भाई, ये थी जो पुरानी बैटरी थी हमारे पास, अब हम इसमें नवी बैटरी लगाते हैं इसकी जगह। ये हमारे पास नवी बैटरी डाइनेक्स DYTZ4, डाइनेक्स DYTZ4 की मैंने पहले अनबॉक्सिंग दिखा रखी है, आप कार्ड में जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज मैं इसके आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये वारंटी कार्ड है इसका, और ये नट है भाई इसके, और ये है हमारे पास अपनी बैटरी। एक ध्यान रखें, जिस बाइक में जोन सी बैटरी है वही लगेगी। ये जैसे 4 नंबर बैटरी है तो इसमें 4 नंबर ही बैटरी लगेगी, अगर 5 नंबर होती तो 5 नंबर लगती है। तो ये विशेषकर ध्यान रखें और इस बैटरी को वैसे ही फिट करें जैसे आपने उस बैटरी को निकाला है। नट निकाल लें। ये डाइनेक्स की एक साइड की मैन्युफैक्चरिंग है भाई, ये एक साइड का ही पाउच है, देख सकते हैं आप। एक साइड वालों की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, डाइनेक्स के नाम से, या ये बोल सकते हो आपकी जो डाइनेक्स कंपनी है वो एक साइड से ही मैन्युफैक्चर कराती है। 2 नट निकाल लें भाई, और नट निकालने के बाद आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर है इसका, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पर आप इसको फिट कर दें। ये हमारा हो गया नेगेटिव पॉइंट फिट, ये है इसका पॉजिटिव पॉइंट। ये नट थोड़े अलग से हैं, इनको पहले अंदर डालना पड़ता है, यहाँ इस साइड से आप इसको डाल सकते हैं, और ये थोड़ा टाइट है भाई इधर से।
अभी काम पर लगे हुए हैं। ये आप इसका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर लगा लें, ये हो गया हमारा पॉजिटिव पॉइंट भी। अच्छी तरह टाइट कर लें थोड़ा, उसके बाद अगर कवर हो तो इस पर कवर डाल दें। इसका नहीं है भाई नेगेटिव का। अब इसको यहाँ से वो वाला नट जो हमने खोला था पहले, इसको फिट कर दें। स्क्रू को अच्छी तरह टाइट ज़रूर करें, लूज मत रखें किसी भी चीज़ को। ये 10 नंबर चाबी है भाई, अगर आप इसमें बैटरी फिट करना चाहें तो इसमें 10 नंबर का प्रयोग करें। ये हो गई हमारी बैटरी फिट। अब जो इसकी टूल किट है आप उसको फिट कर सकते हैं आराम से। ये हमारी टूल किट यहाँ पर, वापस इसको रख दीजिए आराम से। ये हो गई भाई हमारी आज की बैटरी फिट, आप कैसे कर सकते हैं अपनी बाइक में। और ये जो इसका बॉक्स है आप उसको बंद कर सकते हैं। ये हुई हमारी बैटरी फिट भाई। हम और भी ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।